हेलो, वेलकम टू हरीश किचन। आज का रेसिपी टमाटो राइस। पहले स्टोव पे एक प्रेशर कुकर रख दो और फ्लेम हाई हीट में रख के 10 टेबलस्पून ऑयल डाल दो। ये रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। इसमें एक दालचीनी, दो बिरयानी का पत्ता, एक अनास फल और एक जावित्री और लवंग और इलायची डाल के फ्राई करो। ये फ्राई करने का टाइम ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल गर्म होने का टाइम ही डाल दीजिए। इसमें एक बड़ा प्याज डाल दो, बारीक से कटा हुआ है। और अच्छी तरह से मिक्स करो, ऑयल उसमें लग के अच्छे से पकेगा। पकने के टाइम आप 4 हरी मिर्च डाल दो, बीच में कटा हुआ। उसके बाद इसके अंदर काजू डाल दो, इससे टेस्ट बढ़ता है और आपका टमाटर राइस को रिचनेस आता है। उसके बाद आप टमाटर डाल दीजिए इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। ऑयल पूरा टमाटो में लगना चाहिए। ये मैंने 3 टमाटो लिया हुआ है। ये ऑयल लगने के बाद ये जल्दी पकने लगेगा। ये पकने के टाइम 1 चम्मच नमक डाल दो और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स करो। ये सारी चीज़ सभी पीस में लग जाए और पकाते रहो। ये पकाने के टाइम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दो और उसको मिक्स करो और इसको भी फ्राई करो। जब इसके अंदर से तेल बाहर निकलेगा उस टाइम में थोड़ा धनिया डाल के मिक्स कर दो। तब तक टमाटो जो है वो मैश हो गया होगा। और अभी हम 1 कप जितना चावल पानी में आधा घंटे से भिगो के रखा हुआ है, 1 कप चावल के लिए मैंने 1.5 कप पानी यूज़ कर रहा हूँ। और पानी गर्म होने के बाद इसके अंदर चावल को ट्रांसफ़र कर दो और अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा धनिया डाल दो और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दो और इसके ऊपर सीटी लगा दीजिए और आपका हीट जो है वो मीडियम में रख के 1 विजल आने दो। आने के बाद स्टोव ऑफ करके थोड़ी देर वेट करो, जब कुकर ठंडा हो जाएगा उसके बाद ढक्कन खोल के आप चेक करो। ये देखो कितना अच्छे से बना हुआ है अपना चावल। वाह, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, मेरे को तो भूख लग जा रहा है देखते ही। ये देखो चावल, देखो कितना खिला खिला हुआ है, एक दूसरे से चिपका भी नहीं। इसी तरह से आप भी ट्राई करो और रेसिपी को एंजॉय करो।